सरदार मीणा जी, अचकली जी, गंगा देवी जी, पारिक साहब, अमी काकी जी, अर्चना जी, ज्योति खंडेलवाल जी, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, साथियों, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने मिलकर देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आज है इन परीक्षाओं को लेकर, उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में और प्रदेश की राजधानी में। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए, और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठकर मुद्दा है। देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है उसके चलते राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के लोग बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? आप देश भर में लाखों लोगों को, बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो। कोरोना की महामारी का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ रहा है, ना सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहा है। 70-75 हजार कल आए थे कोरोना पॉजिटिव, और कल्पना कीजिए जो लोग, बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, होटल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे शहर सेंटर तक जा पाएंगे? और शहरों के अंदर कई कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहे, जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां बच्चे कैसे निकल पाएंगे? और ये बोल देना कि अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षाएं हो रही है, इसलिए पूरे देश में हम नीट और जेई की परीक्षा कराएंगे, हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं ये गलत है। लोगों के भविष्य के 11-12 महीने की खिलवाड़ की बात नहीं है। आप पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे स्वास्थ्य का ढांचा, लाखों बच्चे रहते हैं, उनके घर में लोग रहते हैं, उन सबको आप संक्रमण के खतरे के सामने डालना चाहते हो जानबूझ के। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना पूछ के नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों को, गरीब को, अमीर को, सबको संक्रमण हो रहा है। हम सब अपनी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन कब किसको हो जाए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे, वहां बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये बाजे चिंता को लेकर पूरे देश में भूख हड़ताल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है, और आज इस राजधानी में, जयपुर में, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बच्चों की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कि जिद करना बुरा है। दुनिया में ओलंपिक के गेम पोस्टपोन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, बड़े बड़े सरकार के काम, निजी काम, तो क्या कारण है कि जिद, केंद्र सरकार ने जो जिद और हज है उसके खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं, सुनने को तैयार नहीं है। आपने निर्णय कर, कहते हैं डाउनलोड कर लिया, अरे डाउनलोड कर लिया तो क्या खत्म हो जाएगा 6 महीने 8 महीने? ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारियों को, आप सब लोगों को, कि आपने यहाँ पर AICC के दिशा निर्देश के अनुसार आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, और हमारी बात को पूरे प्रदेश के नौजवान सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, और मैं मानता हूँ इसी प्रकार हम अपनी बात को रखते रहेंगे तो केंद्र सरकार को नौजवानों की आवाज के सामने झुकना पड़ेगा, इन कार्यक्रमों को, एग्जामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस लिहाज से आज का धरना बहुत कामयाब रहा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, राम राम।